कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई थी। बैठक में सांसद भी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने पटवारियों से सीधा संवाद कर उत्कृष्ट कार्य करने पर उनको सम्मानित किया। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व कार्यों में आई प्रगति एवं राजस्व संबंधित सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में आए सुधार को देखते हुए राजस्व अमले की प्रशंसा की एवं सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्व कार्यों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें ताकि आमजनों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर कलेक्टर ने अनूठी सकारात्मक पहल की नींव रखी। उन्होंने पटवारियों से सीधा संवाद स्थापित किया, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 23 पटवारियों को सम्मानित भी किया। और बहुत सारे ऐसे नॉन रेवेन्यू वर्क्स किए थे इन्होंने, हर तरह के जो आम जनता को कोरोना काल से बाहर निकालने में जो सहायक हों। फिर उसका चुनाव में बहुत काम किया सभी ने। फिर चुनाव के बाद पिछले 2 महीनों में राजस्व प्रकरणों का जो निराकरण हुआ है, लगभग 13-14 हज़ार निराकरण किया है, उसमें भी पटवारियों का और आरआई सब कुलों का नायब तहसीलदार तहसीलदार का ही की रोल रहता है। तो विशेष तौर पर पटवारियों के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था। उनके जो लोगों की इच्छा भी थी कि एक बार सब साथ में बैठे मिले और संवाद हो। जब से हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब से कोरोना था, फिर चुनाव था, तो संभव बैठ नहीं पाए थे। तो आज उसी क्रम में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है। कुछ अच्छे जो पटवारी ने पिछले 2 महीने मेहनत की चुनिंदा, उनको प्रशस्ति पत्र भी माननीय सांसद जी के द्वारा दिए गए हैं। और भी जो लोग हैं पटवारी ने, सभी ने अच्छा काम किया है, किंतु सभी को एक साथ नहीं दिया जा सकता था, इसलिए चुनिंदा कुछ अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले थे उनको आज सम्मानित किया गया है। और मुख्य तौर पर एक इंटरेक्टिव सेशन होना, पटवारियों का संवाद SDM तहसीलदार कलेक्टर सबसे बना रहे, क्योंकि कलेक्टर की फील्ड में ताकत यही रहती है। हमारे जो एक्सटेंडेड आर्म से हम लोगों के, वो यही पटवारी आ रही है हम लोगों के। तो उस सोच के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया है। अभी लंच का कार्यक्रम भी है, इसमें लंच भी सब साथ ही में करेंगे हम लोग।